हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो दुपट्टा ड्रेपिंग के ऊपर है, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि दुपट्टा कैसे लगाया जाता है ब्राइड के, जैसे कि वो कंफर्टेबल रहे और अपना पूरा फंक्शन वो अच्छे से अटेंड कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, आजकल हर ब्राइड दो दुपट्टे ही लेकर आती हैं और एक बहुत ज़्यादा अभी स्टाइलिंग चल रही है दुपट्टा फॉलिंग वाला लेने की, तो उसके ऊपर ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट जो अपना दुपट्टा है उसको शोल्डर के ऊपर हम लोग अटैच करेंगे विद बिग सेफ्टी पिन, और इसी तरीके से हम लोग लहंगे के साइड पर जहाँ पे लटकन होती है उसके बाद उस तरफ हम लोग एक और बिग सेफ्टी पिन लगाएंगे और जो दुपट्टा है उसको सिक्योर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग फ्रंट से लेते हुए साइड पर दुपट्टे को पिनअप कर देंगे और थोड़ा सा चेक करेंगे कि बहुत ज़्यादा लूज ना लगे और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो फ्रंट से, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और हाफ पार्ट को हम लोग कवर कर लेंगे दुपट्टे से। इस तरीके से पिनअप करने के बाद दोनों साइड से हम लोग जो बॉर्डर होगा दुपट्टे का उसको जो बैंगल्स का लास्ट होता है उसके पास रखेंगे और जो नेट जो बचा हुआ है उसके हम लोग प्लेट्स बना लेंगे, बट थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे ताकि जो ब्राइड है उसको प्रॉब्लम ना हो हाथ को मूव करने के लिए। इसलिए थोड़ा दुपट्टा हम लोग नेट का बाकी छोड़ेंगे पीछे की साइड, सारे दुपट्टे को ड्रैप नहीं कर देंगे, छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे और थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और लास्ट में हम लोग इसके ऊपर पिनअप कर देंगे नीचे की साइड से, ताकि जो प्लेट्स बनाई है वो हमारी एज इट इज़ रहे, ऊपर नीचे ना हो और ना ही खुले। तो इस तरीके से हम लोग पिन का यूज़ करेंगे। इस जगह पर हम लोग स्मॉल पिन का यूज़ भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हैवी दुपट्टा नहीं हो तो। अगर आपका दुपट्टा हैवी तो बिग पिन का ही यूज़ कीजिए। और इसको पकड़कर बॉर्डर को हम लोग नीचे की साइड एक पिनअप और करेंगे। इस तरीके से फ्रंट हो जाने के बाद हम लोग बैक का जो बॉर्डर हो, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी डोरी होती है ना ब्लाउज़ की, उसको हम लोग टाइट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग एक नोट बनाएंगे और इसको डबल नोट कर देंगे ताकि ये ओपन ना हो। और जो पीछे का दुपट्टा है उसको हम लोग ऊपर से पकड़ के एक ट्रायंगल शेप देंगे और प्लेट्स को बनाकर उसको हम लोग पिनअप करके लहंगे के अंदर इंसर्ट कर देंगे। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो हम अंदर की तरफ डाल रहे हैं दुपट्टा वो बिल्कुल स्ट्रेट जाए अंदर और लहंगे से थोड़ा ऊपर रहे, ताकि जो हमारी ब्राइड है उसको चलने फिरने में दिक्कत ना हो, दुपट्टा लटका ना रहे पीछे, क्योंकि आपको पता है लटका हुआ दुपट्टा होता है तो किसी का भी पैर आ जाता है। इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का कि जो दुपट्टा है वो थोड़ा सा लहंगे से ऊपर ही हो, बिल्कुल एंड जो होता है ना लहंगे का वहाँ पर हो। तो इस तरीके से जितनी स्पेस होगी उसको हम लोग अंदर की साइड कर देंगे और बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, ताकि हमारी ब्राइड को बैठने उठने में दिक्कत ना हो। और इस तरीके से हम दोनों साइड के बॉर्डर को आपस में जॉइंट करके इधर भी पिनअप कर देंगे। देखिए, अब दुपट्टा आपने देखा बिल्कुल थोड़ा ऊपर की साइड ही लगाया है हमने। इस तरीके से दोनों साइड की बॉर्डर को पकड़ के हम लोग अंदर की साइड से पिनअप कर दे रहे हैं, इससे एक अच्छी सी शेप में दुपट्टा रहेगा पीछे। इस तरीके से जो हमारा एक दुपट्टा है वो ड्रैप हो गया और सेकंड दुपट्टे को हमको सिर पर रखकर पिनअप करना होता है, जो कि बहुत इजी होता है। इसमें हम लोग बीच में से दुपट्टे को तय कर देंगे और बीच में से बिल्कुल सेंटर पॉइंट को हम लोग सिर के ऊपर रखेंगे इस तरीके से मिरर में देखते हुए,
और क्लाइंट की इच्छा के अकॉर्डिंग दुपट्टे को आगे या पीछे रखेंगे जितना वो रखवाना चाहेंगे। उसके बाद जो आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे बीड्स लग रहे हैं, बीड्स के अंदर थ्रेड होता है, उस थ्रेड में मैं जो बॉब पिंस हैं उनको, छोटी वाली बॉब पिंस को डालती जाऊंगी। 3 से 4 पिन हम लोग अच्छे से लगा देंगे ताकि जो दुपट्टा है बिल्कुल खिसकेगा भी नहीं इस जगह से। तो आप इस तरीके से अपनी पिंस का यूज़ कीजिए। दुपट्टे और बालों में से पिन को लगाएंगे तो पिन बहुत अच्छे से लगेगी और बिल्कुल भी दुपट्टा हमारा मूव नहीं करेगा यहाँ वहाँ। 4-5 पिन लगाने के बाद मैं बैक साइड में जो अपना जुड़ा होता है उसके ऊपर इस तरीके से मैं जुड़ा पिन का यूज़ करती हूँ, जो यू पिंस होती है हमारी, ताकि बिल्कुल भी हमारा दुपट्टा खिसके नहीं। तो हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, पिनअप अच्छे से करेंगे हम लोग। 3 से 4 जुड़ा पिन आप लोग बैक में जुड़े के ऊपर लगा सकते हैं। इसको करने के बाद हम लोग जो दुपट्टा है अगर हैवी नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे ही ओपन छोड़ सकते हैं, और हम चाहें तो इसको आगे हाथ के ऊपर प्लेट्स बना के भी लगा सकते हैं अगर हमारी इच्छा हो तो, इस तरीके से प्लेट्स बना के लगाने की, तो ये लुक भी अच्छा लगता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। इस तरीके से हम इस दुपट्टे को लगा सकते हैं, और अगर इस तरीके से हमें लगाना है तो यहाँ पिनअप कर देंगे। ये मैं आपको तरीका ही बता रही हूँ, अगर नहीं लगाना तो हम इसको ओपन कर देंगे। तो इसके बाद जो बैक का दुपट्टा है हमारा, इसको हम लोग पीछे थोड़ी प्लेट्स बना के ब्लाउज़ के संग अटैच कर देंगे, ताकि जो हमारा सिर के ऊपर एकदम हैवीनेस हो जाती है दुपट्टे से, वो हैवीनेस नहीं होगी। इस तरीके से हम इसको ब्लाउज़ के संग थोड़ा सा ऊपर स्पेस देते हुए, दुपट्टे को ऊपर उठाते हुए ब्लाउज़ के संग अटैच कर देंगे हम लोग इसको। तो इस तरीके से हम लोग पिन को हाइड कर देंगे। और अगर देखिए मैं दूसरे स्टाइल से भी कर रही हूँ, क्योंकि हम दुपट्टा वैसे नहीं बांध रहे जैसे मैंने आपको बताया था हैंड के ऊपर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पीछे से दोनों साइड से पिनअप कर देंगे ताकि दुपट्टा पीछे ही रहे, आगे ना आए। तो हम हाथ पे ना बांध के इस दुपट्टे को हमने पीछे की साइड कर दिया हुआ है, जिससे कि ये बैक में ही रहेगा दुपट्टा, आगे नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको 2 या 3 स्टाइल मैंने बता दी हैं जो हम दुपट्टे के संग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।